लवकुश नगर पुलिस ने पृथक पृथक स्थान से अवैध इकट्ठा कारतूस सहित दहशत फैला रहे दो आरोपियों को पकड़ा। अभियुक्त रोहित तिवारी के विरुद्ध एक मारपीट का अपराध पूर्व से दर्ज। पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री अगम जैन ने समस्त थाना प्रभारी को अवैध हथियार संबंधी आरोपी क्षेत्र में दहशत फैलाने एवं माहौल खराब करने वालों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 16 जुलाई 2024 को थाना लवकुश नगर में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कोई गंभीर वारदात करने की नियत से अवैध शस्त्र लिए गिरधौरी अटकोहा रोड पर घूम रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह एवं एसडीओपी लवकुश नगर श्री नवीन दुबे के मार्गदर्शन में थाना लवकुश नगर पुलिस टीम संबंधित स्थान गिरधौरी अटकोहा रोड पर पहुंचे। संदेही पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिससे घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर अपना नाम रोहित तिवारी, पिता दिलीप कुमार तिवारी, उम्र 26 साल, निवासी ग्राम परसानिया थाना लवकुश नगर का होना बताया। संदेह होने पर उक्त व्यक्ति की सावधानी पूर्वक तलाशी लेने पर कमर में पीछे तरफ एक 315 बोर का देसी कट्टा, खोसे व पैंट की जेब में एक जिंदा कारतूस रखे मिला। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट संबंधी अपराध थाना पर दर्ज है। एक अन्य प्रकरण में मेला ग्राउंड लवकुश नगर से अवैध 12 बोर कट्टा एवं कारतूस सहित एक विधि विरुद्ध किशोर को भी अभिरक्षा में लिया गया। विधि विरुद्ध किशोर के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत सेन, प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र मोहन एवं आरक्षक रमाकांत तिवारी, सूरज शर्मा, नरेंद्र अहिरवार, उमेश वर्मा, बनमाली हृदेश देव सिंह, अभिषेक त्रिपाठी की अहम भूमिका रही। जनपद दर्शन के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।